अब कैसे होगा मेरी पुत्री का विवाह? अब तो महाराज ही हमारी सहायता कर सकते हैं। मेरी अनुपस्थिति में यहाँ की देखभाल और सुरक्षा का उत्तरदायित्व तुम्हारा ही तो होगा पुत्र। अब पिताश्री की बातों को पूरा करने का समय आ गया है। मंत्री जी, यहाँ शरण लेनी पड़ी है सारे गांव वालों। मेरे घर के साथ साथ गांव वालों के अधिकांश घर उजड़ गए हैं। ये वो सामान है मंत्री जी, जो कुछ हम साथ ला पाए, बाकी सब तो नष्ट हो गया उस असुर चक्रासुर के चक्रवात में। मुखिया जी, आप चिंता मत करिए, हम और हमारे सैनिक आपके साथ हैं। सैनिकों, इस सारे क्षेत्र को घेर लो और जैसा मैंने कहा था वैसे ही सुरक्षा घेरा बनाओ, शीघ्र बनाओ। मुखिया जी, अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब यदि चक्रासुर यहाँ आता भी है तो इस लोह कवच के घेरे को भेदना उसके लिए सहज नहीं होगा और वो इस घेरे को तोड़ने में उलझा रहेगा और तब तक हम उसे घेर कर समाप्त कर देंगे। ईश्वर करे ऐसा ही हो मंत्री जी, तो आप कितना ही प्रयास कर लें कुछ नहीं होगा। भयानक असुर बहुत बलशाली भी है और माया भी, न जाने क्या होगा। हे ईश्वर, हम सबकी रक्षा करना। सैनिकों, द्वार खोलो। आओ सैनिकों। सैनिकों, द्वार बंद करो। बचाओ। आओ बालक, आओ, हम तुम्हें बचा लेंगे, क्योंकि मैं हूँ अति बल, मुझ में है बल 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 बल। मुझे निकालो, मेरी रक्षा करो। हम तुम्हें बाहर निकालेंगे, तत्पश्चात हम तुम्हें खाएंगे। अब परंतु हम तो मांस का भक्षण करते ही नहीं, मैं तो शाकाहारी हूँ, फल खाता हूँ फल। कोई बात नहीं, हम तुम्हें बाहर निकालेंगे, तत्पश्चात तुम्हारे छोटे 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 टुकड़े करेंगे। मेरी रक्षा करो, बचाओ बचाओ। आओ आओ, बाहर आओ, बाहर आओ बालक, बचाओ बचाओ। अरे कोई है। बचाओ बचाओ, मेरी रक्षा करो, बचाओ।
रक्षा करो। ये तो एक नहीं दो दो बालक हैं। जाओ सखा इनकी रक्षा करो। ये तो बड़ा ही विचित्र वानर बालक है। मायावी और बलशाली भी है। मित्र तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम हैं ना तुम्हारी सहायता के लिए। अब तुम पर कोई संकट नहीं आएगा। अरे आंसू क्यों बहा रहे हो? मारुति के रहते तुम्हें किसी से कोई भय नहीं है। हम मारुति हैं, यहाँ के युवराज। तुम दोनों यहाँ कैसे पहुँच गए? चक्रासुर आया था, उसने हमारे गांव के ऊपर आक्रमण कर दिया। चक्रासुर? उसी को तो मैं ढूंढ रहा हूँ। सारे गांव वाले भाग निकले, मैं भी भागता हुआ इस वन में आ गया और आके इस गड्ढे में छुप गया और चक्रासुर का बवंडर उसके ऊपर से निकला, किंतु ना जाने मैं कैसे बच गया। चक्रासुर? तुम अभी भी भयभीत दिखाई दे रहे हो। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ बालक? बालक? अब हम बालक नहीं है। दिखने में तो तुम बालक ही लगते हो, छोटे से। हम छोटे नहीं, वामन है वामन। हम तो इस बालक की सहायता कर रहे थे। कर रहे थे ना? नहीं नहीं, ये मुझे भयभीत कर रहे थे। छोटा है ना, नन्ना सा, अबोध, समझ ही नहीं पाया। हम तो इसकी सहायता कर रहे थे और ये भयभीत हो गया, है ना? है ना? हाँ, अब समझा। चक्रासुर के भय से भयभीत हो गया था। हो सकता है इसने समझा होगा कि हम भी चक्रासुर के ही मित्र हैं, है ना? ये मैं क्या बोल गया? कहीं इसे संदेह हो गया तो? बालक, मैं तुम्हें कितना प्रेम करता हूँ, है ना? है ना? मैं तुम्हें बचा रहा था। अच्छा चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। मेरा गांव, मेरा घर सब उड़ा के ले गया वो चक्रासुर। चिंता मत करो, सब पहले जैसा हो जाएगा। ये कोई साधारण बालक नहीं है, दिखने में छोटा और बातें बड़ी बड़ी। कहीं ये वही तो नहीं जिसने वृक्षासुर को मारा? यदि ये वही है तो इस पे दृष्टि रखनी होगी। चलो मैं तुम्हें गांव वालों तक सुरक्षित पहुंचा देता हूँ। तुम्हें आना है तो तुम भी आ सकते हो, सुरक्षित रहोगे। अतिबल, ये पत्र, इस पत्र को तुम सुमेरु जाने के पूर्व चक्रासुर को दे। नहीं नहीं, हम अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं। जाओ, तुम लोग जाओ, जाओ। मेरा हाथ कस के पकड़ लो, छोड़ना मत। हुँ।
हमें चक्रासुर को ढूंढना होगा, किंतु इस भेष में नहीं, भेष बदल के, क्योंकि मुझ में है बल, बल बला बल बल। कहीं भी लुढ़कता रहता हूँ। कहाँ मिलेगा चक्रासुर, कहाँ मिलेगा वो, ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, ये है चक्रासुर। चक्रासुर, मुझे पुकारने का था। इतनी रात में आप कैसे आ गए? शुभराज मारुति, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। महारानी जी ने मंत्री जी और सैनिकों को हमारी सुरक्षा के लिए ही भेजा है। मुखिया जी, मारुति का भी तो उत्तरदायी बनता है ना प्रजा के प्रति। आप चिंतित ना हो, मारुति चक्रासुर को उचित दंड देकर ही जाएगा। देखिए, आप समझ नहीं रहे हैं, आप छोटे बालक हैं और वो भयानक असुर। पर मुखिया जी, मारुति युवराज है। अब मैं कैसे समझाऊं, इनकी सुरक्षा करूं या मंत्री जी भी यहाँ नहीं है। कौन है तू? क्या मैंने कर रहा है? दिखने में तो तू भी एक असुर ही लगता है। असुर मैं हूँ, अति बल बल बला बल बल। लंकेश रावण, लंकेश का संदेश लेकर आए हो तुम। चक्रासुर, तुम्हारे असुरी कार्य से मैं लंकेश रावण अति प्रसन्न हूं। और मैं चाहता हूं कि तुम अपने आतंक का ये कार्य और बढ़ाओ, और तुम्हारे लिए ये आदेश है कि लंका के कोष को स्वर्ण से भर दो। और एक विशेष बात, तुम्हें अति बल की हर संभव सहायता करनी है। लंकेश रावण। चक्रासुर के भय से धरती कांप उठती है, आकाश थरथराने लगता है। जहां देखो भय का साम्राज्य फैला दिया है चक्रासुर ने। अब मेरा ये संदेश भी दे देना लंकेश को कि चक्रासुर वो सब करेगा जो लंकेश ने कहा है। बता, क्या सहायता करनी है? एक वानर बालक है जिसने वृक्षासुर जैसे भयानक असुर का वध कर दिया है।
लंकेश को संदेह है कि अवश्य ही उस वानर बालक के ऊपर किसी न किसी देवता का वरद हस्त था। कौन है वो देवता जिसने उस वानर बालक पर इतनी कृपा बनाई हुई है, यही जानना। अच्छा। और ये तभी संभव है जब तुम उस वानर बालक को अपने चक्र में लोगे, तभी तो वो देवता उस वानर बालक की सहायता के लिए सामने आएगा। और मेरी सूचना के आधार पर लंकेश रावण उस देवता को सबक सिखाएगा। बल बला बल बल, मैं हूँ अति बल। मेरा चक्र तो अभी से उसे अपने चक्र में लेने के लिए उतावला हो रहा है। कहाँ मिलेगा मुझे वो वानर बालक? तुमसे मिलने से पूर्व मुझे एक वानर बालक मिला। मुझे शंका है कहीं ये वानर बालक वही तो नहीं। मुझसे मिलने के उपरांत वो वानर बालक मृदंगपुर गांव की ओर गया। तो चलो मृदंगपुर गांव की ओर। तुम ये सब करोगे कैसे? तुम तो मानव, पृथ्वी, पशु, पक्षी, यहाँ तक कि वृक्ष, किस वस्तु को भी अपने चक्रवात में फांस लेते हो। उसका तो पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ चले गए। तो तुम देखना चाहते हो वो कहाँ जाते हैं? हाँ। उचित है, दिखाता हूँ तुम्हें, ले चलता हूँ तुम्हें एक नए संसार में। ये मैं कहाँ गया? ये तुम्हारे चक्र में मैं घूम रहा हूँ। अरे कैसे घूम रहा हूँ मैं चक्र? ये देखो ये साधु, गाय, ये मनुष्य पशु, और ये मंदिर भी है यहाँ। ये देखो स्वर्णाभूषणों का भंडार। स्वर्णाभूषण चकरा गए ना, चक्रासुर का ये साम्राज्य देखकर। ये है हमारा चक्र नगर। अभी आता हूँ। जाओ जाओ। बलबला बलबल, ये कोई पुतला नहीं है और ना ही ये मरा हुआ है। बलबल बलबल नहीं, अति बल, मैं अति बल हूँ। हाँ हाँ भाई, ये मनुष्य, ये पशु, ये जीवित है। हाँ जीवित। हमारे चक्र नगर का सिद्धांत है जीव मात्र पर दया कर। अच्छा। जीवन नहीं छीनता हूं मैं इनका, इसलिए ये सब जीवित है, क्योंकि मैं इन्हें मिट्टी की मूर्ति में परिवर्तित कर देता हूं। अब ये जीवित होते हुए मेरे नियंत्रण में है। मेरे खिलौने हैं ये। खिलौने? फिर तो मैं भी खेलूंगा। बहुत आनंद आता है मुझे इनसे खेलने में। युवराज मारुति, आप यहाँ आ ही गए हैं तो यहीं रुकिए। मंत्री जी असुर चक्रासुर को ढूंढने गए हैं,
उनके आते ही हम सैनिकों की सुरक्षा में आपको राजभवन पहुंचा देंगे। आप मेरी सुरक्षा की चिंता छोड़िए और इस धवल मुख की चिंता कीजिए। हो सके तो इसे इसके माता पिता तक पहुंचा दीजिए। मारुति चक्रासुर का अंत कर ही वापस लौटेगा। अब बाल हट छोड़िए, कहीं आपको कुछ हो गया तो? मारुति को कुछ नहीं होगा मुखिया जी, आप इसकी और गांव वालों की सुरक्षा कीजिए। जब तक मैं या मंत्री जी ना लौट आए, ये आपके युवराज का आदेश है आपको। युवराज, आपकी अनुपस्थिति में चक्रासुर यहाँ आ गया तो? वो देख रहे हो डमरू, उसे बजा देना, मारुति आ जाएगा। चला गया वो, उसे ढूंढ ढूंढ कर बहुत थक गया हूं। थोड़ा विश्राम कर लेता हूं इस ब्रिज के नीचे। तुम जहां जाओगे मुझे ही पाओगे, मेरी दृष्टि से तुम बच नहीं सकते। कौन हो तुम ये मैं जानकर ही रहूंगा। डाला रे, तोड़ दी मेरी कमर। जाने पाए ये चक्रासुर आक्रमण। सैनिकों आग्नेय अस्त्र से प्रहार करो। आक्रमण। Ha ha ha!
सैनिकों, विद्युत बाण का प्रहार करो इस पर। बात हो गई है उठखेलियां, अब मेरा प्रहार भी देख लो मूर्खो। सैनिकों, डट कर सामना करो, आज हम इसे मार कर ही रहेंगे या वीर गति को प्राप्त होंगे, लेकिन पीठ दिखाकर भागेंगे नहीं। आओ, आओ। सैनिकों, चक्रासुर के चक्कर में जो फंसा चल बसा। चक्रासुर के चक्र नगर में चल कर बस गया। महारानी जी प्रणाम। महारानी जी, मंत्री जी और उनके साथ गए सैनिकों का कुछ पता नहीं चल पा रहा, इतना ही ज्ञात हो पाया है कि चक्रासुर के साथ मंत्री जी का भीषण युद्ध हुआ है। हे शिव शंकर, हे भोलेनाथ, रक्षा करो प्रभु, स्वामी को अभी लौटने में समय है, कैसे भी इस संकट को दूर कीजिए। मैं अपनी प्रजा और सैनिकों की सुरक्षा के लिए शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करूंगी और तब तक करती रहूंगी जब तक वो सब सुरक्षित लौट नहीं आते। लगता है सुमेरु में कोई शूरवीर नहीं बचा जो एक बालक को भेज दिया मुझे चुनौती देने। युवराज, नहीं, मेरे मार्ग से हट जा वानर बालक। युवराज, लौट आओ युवराज, तुझे तो एक पिंके की भांति उड़ा कर ले जाऊंगा मैं और अपने चक्रनगर में तेरे साथ क्रीड़ा करने में बड़ा आनंद आएगा मुझे। तू 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 मेरा छोटा छोटा सा खिलौना। खिलौना
तुम्हें ज्ञात नहीं है मैंने वृक्षासुर का अंत किया था। अच्छा, तो तू है वो वानर बालक जिसे मैं ढूंढ रहा था। हाँ, जो संकट में होता है उसका संकट हरने के लिए मारुति आगे आता है। अच्छा, तो तुम संकट हरोगे इन सबके, वृक्षासुर का वध करके स्वयं को शूरवीर समझने लगे हो तुम, किंतु मैं वृक्षासुर नहीं चक्रासुर हूँ। चक्रासुर के चक्कर में जो फंसा उछल बसा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.